यहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर एवं बड़ौदा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही बाइक रैली एवं रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से कई वादे भी किए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नगर पालिका में भाजपा का वोट बैठने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे यहां के कार्यकर्ताओं ने सांसद के रूप में चुना है, इसलिए अगर यहां पार्षदों का चुनाव होता है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके लिए परिश्रम करूं, उनके लिए वोट मांगू। जिसके पास कमल निशान है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। कार्यकर्ता के नाते मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने सांसद के रूप में चुना है, इसलिए अगर यहाँ पार्षदों का चुनाव होता है तो मेरा ये प्राथमिक धर्म है कि मैं उनके लिए परिश्रम करूँ, उनके लिए वोट मांगूँ, उनके लिए समर्थन जुटाऊँ। और इसलिए मैं आज पूरा दिन श्योपुर में दिया और बड़ौदा में श्योपुर में भी कार्यक्रम सम्पन्न हुए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे जो दिखा उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बोर्ड बनाने में सफल होगी। जिसके पास कमल है उसके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम सब लोग प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उदयपुर की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ कानून व्यवस्था ढीली पड़ चुकी है, इसलिए राजस्थान प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इसका दूसरा कारण कांग्रेस की गुटबाजी भी है। वहां कांग्रेस गुटबाजी से त्रस्त है जिसका खामियाजा भी राजस्थान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उदयपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है और उस घटना का अब NIA जाँच कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है उस घटना पर बहुत ज़्यादा इस समय टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सच है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो राजस्थान में है उनकी पकड़ कानून व्यवस्था पर पूरी तरह ढीली पड़ गई है और इसके कारण राजस्थान प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वहाँ कांग्रेस गुटबाजी से भी त्रस्त है, उसका खामियाजा भी राजस्थान के लोगों को भुगतना पड़ रहा। श्योपुर में जनसंपर्क में आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा प्रत्याशियों को प्रचार और चुनाव के अंतिम रणनीति का भी मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, श्योपुर।